दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके हो, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके दे चुके तुम्हें दिल ये दिल दे चुके, दे चुके दे चुके तुम्हें दिल ये दिल दे चुके। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिसको मन से सिखाने की कोशिश करो वही क्लास छोड़ के बैठ जाता है। अब किसी टीचर को आप एक या दो महीने में कैसे समझ सकते हैं, उसके ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। अब मान लो कोई आपको अच्छा सिखाना चाहता है, शुरू से आपका बेस बनाना चाहता है ताकि आप आगे अच्छा कर सके, आप कहीं बिगड़े ना। और हर व्यक्ति की यही मंशा होती है कि हम अच्छा बजाएं। अच्छा बजाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिस करना होता है और विधिवत प्रैक्टिस करना होता है समझ के साथ। लेकिन जैसे किसी को समझाने की कोशिश करो और उसको ढंग से सिखाने की कोशिश करो, वो क्लास छोड़ जाता है या क्लास छोड़कर दूसरी जगह ज्वाइन कर लेता है। दूसरी जगह जब सीखता है, दो एक महीने सीखने के बाद जब वहां भी मन नहीं लगता है तो वहां भी छोड़कर फिर कहीं क्लास ज्वाइन करना करता है। तो इस तरह से क्या होता है, आप बदल बदल के क्लास ज्वाइन करते रहते हैं, इसलिए कहीं भी आपका मन नहीं लगता है, क्योंकि आप जितनी जल्दी उसको करना चाहते हैं उतनी जल्दी वो होने वाला नहीं है। सीधा सा उदाहरण है कि अच्छे नंबर वही बच्चा लाता है जो खूब पढ़ाई करता है, ठीक है। बिना पढ़ाई करे अच्छे नंबर तो आ नहीं सकते। और अच्छा हारमोनियम भी वही बजाता है जो खूब प्रैक्टिस करता है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा आपका, कैसे आप सीखेंगे, कैसे आप अच्छा गाएंगे, ठीक है। क्लास बदलने से क्या आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा? आप जहां कहीं भी सीखने जाएंगे वो सब भी आपको यही सब कुछ सिखाएंगे, और हो सकता है वैसा भी आपको ना सिखा पाए। मैं पूरी ईमानदारी से बहुत ही मेहनत करता हूँ हर स्टूडेंट के साथ ताकि वो अच्छा सीख सके और अच्छा बजा सके। पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको अच्छा मैं करवा पाऊं, लेकिन अच्छा मैं जब भी करवा सकता हूँ जब वो कंटिन्यू करेगा। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे वो जो है एक क्लास महीने में एक ही क्लास ली और फिर अगले महीने में एक क्लास ली, तो उनका हाल ये हो जाता है कि आप जब महीने में एक क्लास लेंगे और आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो एक महीने में एक क्लास से क्या होगा। ये तो संगीत है, इसमें रोज लगना पड़ता है। जितनी ज्यादा आप हमारे साथ बैठेंगे उतने ज्यादा हम आपको सिखा पाएंगे, उतने ज्यादा आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो भाई देखिए सीधी बात है कि अगर आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो ये हासिल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सच्चाई बोलता है, जो सच बोलता है, वो हमेशा पीछे रह जाता है, झूठ बोलने वाला आगे निकल जाता है। लेकिन एक दिन आगे पहुंचता वही है जो सच बोलता है, जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। झूठ बोलने वाला जल्दी जल्दी अपने बहाने बना करके आगे निकल तो जाएगा, लेकिन आगे जितना जितना जीवन में आप आगे बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा रास्ता आपको आपके कठिन होते जाते हैं। और जब बहुत ही कठिन रास्ता सामने आ जाता है फिर वहां पे हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो वही आगे निकल पाएगा जिसने को मेहनत की है और सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ अपने काम को सराहा है। हमें बड़ा कौन बनाता है? हमें हमारा काम बड़ा बनाता है। हम बड़े नहीं होते हैं कभी भी, लेकिन हमारा जो काम है वो हमको बड़ा बना देता है। आप काम ऐसा करते हैं कि वो आपको जो है बड़े लोगों में खड़ा कर देता है, बड़ी स्टेज पे खड़ा कर देता है, वहां आप अपने आप बड़े बन जाते हैं। तो जो काम हमारा हमको बड़ा बनाता है उसी को हम करेंगे नहीं तो हम बड़े कैसे बनेंगे, ठीक है। जो चीज हम हारमोनियम पे बजाना चाहते हैं, अच्छा हारमोनियम बजाना चाहते हैं, सबको हम देखते हैं कि ये अच्छा हारमोनियम बजा रहे हैं, अपनी मर्जी से गाने निकाल रहे हैं, अपनी मर्जी से हर चीज बजा रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी तो होती है। अगर वो अच्छा कुछ कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी। और हम मेहनत से भागने लगते हैं तो फिर हमारी वो हम पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो आप जब भाई प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हमारे साथ आप बैठेंगे और महीने दो महीने में मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा, इसमें जब आप साल दो साल हमारे साथ बैठेंगे तभी मैं आप मुझको समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कितना नॉलेज है संगीत का, और तभी मैं आपको वो सब नॉलेज दे पाऊंगा। अब आप सोचिए कि एक महीना आपने सीखा और एक महीना सीखने के बाद ही आप जो है आपका मन खट्टा हो गया, आप कहीं दूसरी जगह सीखने लगे, तो एक महीने में मैं आपको क्या सिखा पाऊंगा? एक महीने में तो आप चार अलंकार भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए इससे निराश मत होइए, आप मेहनत कीजिए, किसी के भी साथ बैठिए, मेरे साथ जरूर नहीं है, मेरे पास सीखिए। कहीं भी अगर आप सीखते हैं और आपको लगता है कि हम यहाँ अच्छा सीख सकते हैं तो आप उसके साथ बैठिए और पहले उसको समय दीजिए,
छह महीना एक साल आप जब आप सीखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। दूसरी बात, टीचर कई बार क्या होता है, हमको टीचर गलत फंस जाता है। टीचर को आप जब ज्वाइन करते हैं तो उसको कैसे ज्वाइन करते हैं, मान लो कोई नया लड़का है, उसने YouTube पे कोई वीडियो डाला, आपने उसका वीडियो देखा और आपने उसको जो है ज्वाइन कर लिया। अब उसने तो किसी का वीडियो नकल करके अपना बना के डाल दिया था, आपने उसको ज्वाइन किया, तो एक महीना सिखाने के बाद उसके पास मैटर ही नहीं होगा जो आपको वो सिखा पाए। किसी भी टीचर को आप जब ज्वाइन करते हैं तो उसकी पहले प्रोफाइल देखिए। मुझे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पहले आप मेरे चैनल में जाइए, मेरे चैनल में 1000 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। उन 1000 वीडियो में से अगर आप 100 वीडियो भी देखेंगे तो 100 वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हम आपको सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते, हमारे अंदर कितना नॉलेज है, हम जो गाने बजाते हैं उन गानों में क्या क्वालिटी है, या कोई भी गाना अगर हमारे सामने आएगा हम बजा पाएंगे या नहीं बजा पाएंगे। तो टीचर को भी आप जब चुनते हैं ना तो उसको उसकी पहले प्रोफाइल देखिए, और वो आपको आपको लगता है कि हाँ वो अच्छा कर सकता है और हमको करवा सकता है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, और फिर उसके बाद कंटिन्यू लगकर सीखिए, तभी आप सीख पाएंगे। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसीलिए मैं पीछे हूँ। आप देखेंगे कि कुछ चैनल यूट्यूब पे ऐसे हैं जिनके सब्सक्राइबर 2 लाख 5 लाख 10 लाख हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल आप जाकर चेक करेंगे तो वो उन्होंने इतना ढोंग रचा रखा है उसमें कुछ पूछो नहीं। और वो आज इसीलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने लिख दिया ना कि एक महीने में आप हारमोनियम बजाना सीखिए, एक अलंकार कर लेंगे तो आप दुनिया का कोई भी गाना बजा लेंगे, एक राग कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और आपको ऐसा कोई वीडियो दिखाई देता है तो आप उसको तुरंत जो है सब्सक्राइब करते हैं और तुरंत उससे जुड़ जाते हैं कि नहीं ये मुझे सिखा देगा। एक महीना सीखने के बाद में आपके हाथ पर ठंडे हो जाते हैं क्योंकि उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है, उसने तो सबको नकल की है। मेरा वीडियो, मेरे तो बहुत सारे वीडियो चोरी हो गए, मेरे वीडियो में बना के डालता हूँ, दूसरे दिन देखता हूँ कि मेरे वीडियो जैसा किसी ने दूसरा बना के डाल दिया, मेरी पिक्चर भी लगा देते हैं, टास्क चुरा लेते हैं। लेकिन मुझे उसका गम नहीं है कि आप क्या चुरा लेते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने कोई चीज बनाई है, मैंने आप सबके लिए बनाई है, उसको चाहे आप कुछ भी कीजिए, आप सीखिए या नहीं सीखिए, वो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था उसको बनाना, आपको समझाना, मैंने समझाया, पूरी समझाने की कोशिश की। आप उसको किस तरह करते हैं, कितना कर पाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, मैं सभी से यही कहूंगा कि देखिए अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो प्रॉपर सीखिए और थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को भी समय दीजिए और अपने टीचर को भी समय दीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए वो जो आपको सिखा रहा है वो किस तरह सिखा रहा है और वो आपकी मजबूती के लिए आपको जो है इस तरह सिखा रहा है। दो तरह से क्लासेस होती हैं, एक तो होता है जिसमें हम जो है विधिवत अलंकार और राग और सारा जितना भी प्रोसेस होता है लेकर चलते हैं, उस तरह भी सिखाया जाता है, मैं उस तरह सिखाता हूँ। एक होता है जिसमें मैं सिर्फ गाने सिखाता हूँ। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो अलंकार नहीं करना चाहते, राग नहीं करना चाहते हैं, उनको सिर्फ भजन में इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ भजन ही बजाइए, ठीक है। आप अपने मनपसंद के भजन चुनिए, 10, 12, 20, 25 भजन जो भी आपको अच्छे लगते हैं, वो भजन की एक लिस्ट बनाइए और एक एक करके उन भजनों को आप सीखिए। उन भजनों को भी अगर आप सीखेंगे तो 20-25 भजन या 20-25 गाने जब आप सीखेंगे तो जब तक आप 20-25 वो भजन या गाने बजाएंगे, क्योंकि 20-25 भजन गाने बजाने में कोई एक दो दिन में तो बज नहीं जाएंगे, 20-20 गाने बजाने का मतलब है प्रॉपरली अगर आप बिगिनर हैं और प्रॉपरली 20 गाने बजाना चाहते हैं तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। जब तक आप 20 भजन बजाएंगे तब तक आपकी समझ उतनी हो जाएगी कि आप अपनी मर्जी से भी निकालना शुरू कर देंगे। भजन बजाना, गाने बजाना, सब कुछ हमारी प्रैक्टिस में आता है, हमको हर चीज से स्वरों का नॉलेज होता है, चाहे आप कुछ भी बजाइए, अलंकार, राग, भजन, गजल, कोई भी चीज बजाइए, आपका जो हारमोनियम है ये बजना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब आप भजन गीत बजाते हैं तो उससे आपको स्वरों की भी नॉलेज होती है और साथ साथ में आपके भजन गीत भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से भी सीख सकते हैं कि आपके मनपसंद के जो गीत भजन है उनको आप खाली सीखिए, ये अलंकारों में और रागों में जाइए मत। लेकिन फिर उसमें क्या होगा, आपको वो मजबूती नहीं मिल पाएगी जो मजबूती होनी चाहिए। मैं इसीलिए सबको इस तरह सिखाता हूँ कि आप भजन भी करते रहिए, साथ में गाने भी करते रहिए, राग भी कीजिए, अलंकार भी कीजिए, संगीत में जितनी भी चीजें हैं सबको हमें करना होता है, और सबको लेकर जब आप चलते हैं तभी आपको सब तरह का नॉलेज हो पाता है, ठीक है।
तो आप उस तरह से भी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एक बात है, जब तक आप समय नहीं देंगे अपने आप को और अपने टीचर को, तब तक वो आपको कैसे सिखा पाएगा। मैं उन सभी लोगों से यही कहता हूँ कि अपने मन को निराश मत कीजिए। आप प्रैक्टिस से भागते हैं, आप मेहनत से भागते हैं, और जो मेहनत से भागता है वो जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाता। मेहनत से जो भागेगा वो कैसे सक्सेस होगा, आपको आप खुद ही सोच सकते हैं कि हर चीज जो है ना मेहनत से ही आती है। और मैंने जिंदगी में एक चीज अपनी जीवन में मैंने देखी है, तय की है, और मैंने उसको भोगा है कि जब आप किसी चीज के पीछे लग जाते हैं और सच्चे मन से उसमें मेहनत करते हैं तो वो चीज आपसे दूर नहीं होती, उसको आप बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। लेकिन मेहनत मन से करनी होती है। किसी भी एक चीज के पीछे आप लग जाइए और डट के मेहनत कीजिए, डट के मेहनत करेंगे वो चीज आपको जरूर हासिल होगी। जितने भी आप कलाकार देखते हैं आज की दुनिया में या पीछे की दुनिया में, जो पीछे का जमाना चला गया, रवि साहब जी थे, किशोर दा थे, मुकेश जी थे, इन सभी ने बहुत मेहनत की है। लता जी थी, लता जी के तो दो दो तीन तीन टीचर थे जिन्होंने लता जी को सिखाया है। आशा जी थी, अब ये ऐसे थोड़ी इतने बड़े सिंगर बन गए, ना ही ऐसे उनको इतने गाने मिल गए। जब व्यक्ति के अंदर कोई क्वालिटी होती है, व्यक्ति के अंदर कोई हुनर होता है, तभी उसको लोग पूछते हैं, और वो हुनर तैयार करने में समय लगता है। अगर हाँ एक बार वो तैयार हो गया, फिर तो आपके पास, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपके पास रोज ही ऑफर आएंगे। आज हमारे यहाँ जो है आप गा दीजिए, या हमारे यहाँ प्रोग्राम कर दीजिए, हमारा हारमोनियम बजा दीजिए, फिर तो आपके आपको जो है जो आप चाहते हैं वही हो जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत से भागेंगे तो जो आप चाहते हैं वो कैसे पूरा होगा। ठीक है, तो सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक दो महीने में कुछ भी नहीं होगा, ना ही एक दो महीने में आप मुझे समझ पाएंगे और ना ही हम आपको समझा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा होता है जो सिखाने का मटेरियल होता है, ये एक दो महीने में कवर होने वाला नहीं है। 6 महीने, साल भर जब किसी के पास कंटिन्यू आप सीखेंगे तभी आपका प्रोग्रेस नजर आएगा, तभी आप सही तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। मेरा आप कोई भी वीडियो देखेंगे, मैंने सब में क्लियरली आपको बताया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता संगीत के बारे में। और संगीत के बारे में मैं संगीत के बारे में झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि संगीत से मुझे बहुत प्रेम है और मुझे बचपन से प्रेम था, इसीलिए मैंने इसको कवर कर पाया। जब हमको संगीत से या किसी भी चीज से आपको बहुत ही ज्यादा प्रेम होता है, बहुत ही ज्यादा वो आपकी पसंद की चीज होती है, तो क्या आप उसके बारे में झूठ बोलेंगे। झूठ तो वही लोग बोलते हैं जिनको इसका अपना धंधा करना है, बिजनेस करना है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं, कोई सीखे या ना सीखे। भाई सीखेंगे तो आप अपनी इच्छा से ही सीखेंगे। झूठ बोल के मान लो अभी मैं कोई आपको वीडियो बना दूं कि ये अलंकार कर लीजिए आप, इससे आप जो है सारे गाने बजा लेंगे, जब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है तो मैं झूठ कैसे बोल दूं। और झूठ बोलूंगा तो संगीत का अपमान नहीं होगा, हम जिससे प्रेम करते हैं उसी के बारे में हम झूठ बोलेंगे तो फिर वो खराब लगता है ना। तो मैं उस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगा, मैं सिखाऊंगा आपको सच्चे मन से सिखाऊंगा। सच्चे मन से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, सच्चे मन से आप सीखेंगे तो आप एक दिन बहुत ही अच्छा बजाएंगे। भरोसा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा आपको। ठीक है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करें। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें, जो भी आपके पास मटेरियल है खूब प्रैक्टिस करें, आपके आप अच्छा हारमोनियम अपनी प्रैक्टिस से ही बजा पाएंगे। जैसे हमने आपको पीछे बताया ना कि हमारी मेहनत ही हमको आगे बढ़ाती है, तो मेहनत करते रहिए, आप इसको जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें, जैसे हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, बिल्कुल उसी तरह से जब आप चलेंगे तो हम तभी आपको अच्छा सिखा पाएंगे और तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।